सेबिन को ऐसा डर लग रहा है कि शिनवू उसे छोड़ के चला जाएगा, तो फिर सेबिन अपना बेस्ट दे रहा है कि शिनवू ज्यादा हर्ट ना हो और उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि शिनवू ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसे हर्ट नहीं कर सकता और वो ऐसे एक्टिंग करना कंटिन्यू रखेगा। वो राइस केक बना के अंदर गया, लेकिन उसने शिनवू को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गया, क्योंकि शिनवू के हाथ में था सेबिन का मोबाइल। सेबिन ने जो मिस्टर सीक्रेट किम से चैट किया था वो सब कुछ शिनवू को पता चल गया। शिनवू उसकी ओर इंडिफरेंटली देखता है और नीचे उतर के अपने कपड़े पहनने लगा। शिनवू अपनी पैकिंग करने लगा था तो सेबिन उसे रोकता है कि होंग पहले मेरी बात तो सुनो, और वो मिस्टर सीक्रेट किम के बारे में बताने लगा कि मैं जानता हूँ कि ये बुरी बात है, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एडवाइस के लिए ही बात करता हूँ। और आप ये क्या कर रहे हो, आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? शिनवू उसकी ओर देखता भी नहीं और अपना बैग लेके जाने लगा। सेबिन उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है कि होंग आप कहाँ पे जा रहे हो, आप मत जाओ, मुझसे बात करो। लेकिन शिनवू कहता है मुझे जाने से रोकने के लिए, क्या ये भी एक एक्टिंग है? और तुमने कहा नहीं था कि अगर मैं जाने लगूं तो फिर मुझे रोकना पॉइंटलेस है? छोड़ो मेरा हाथ। शिनवू जो कुछ भी कहता है वो सब कुछ सेबिन करता है। तो फिर जब शिनवू ने उसका हाथ छोड़ने को कहा तो सेबिन ने उसका हाथ भी छोड़ दिया, इससे शिनवू को हर्ट हुआ और फिर वो जाने लगा और सेबिन भी अंदर चला गया। शिनवू दरवाजे पे खड़ा था और सोच रहा था कि क्या इस तरह से इसका एंड होने वाला है, और वो अपना बैग टाइटली पकड़ के फिर जाने वाला था, लेकिन सेबिन उसका बैग ले लेता है और कहता है आप क्यों जा रहे हो, गलती मैंने की है तो फिर मैं जाऊंगा, जल्दी से अंदर चलो और अपने बैग्स को वापस रख दो, और अगर आप अभी चले गए तो फिर आप कहाँ पे जाओगे। और वो शिनवू का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगा, लेकिन शिनवू उसे कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। सेबिन कहता है मैं समझ गया हूँ कि अभी आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो, तो जब तक आपका गुस्सा नहीं उतरता तब तक मैं कहीं और रहता हूँ, लेकिन प्लीज जब आप काउंटडाउन हो जाए तब मुझे कॉल करना, ठीक है? और आपको कॉल करना है, मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर वो बाहर चला गया और अपनी कार में बैठा हुआ मिस्टर सीक्रेट किम के मैसेज देख रहा था। सेबिन ने आखिरी बार लिखा था कि मैं ऐसा रोल प्ले करना कंटिन्यू रखूंगा। उसे याद आया कि अभी शिनवू ने उसे कहा था कि तुम अभी एक्टिंग कर रहे हो, है ना? वो सोचता है शायद होंग अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझे सच में बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। उसने जोर से अपना फोन सीट पे रखा तो इससे फोन की बैटरी बाहर निकल गई। पहले वैसे ही फोन आते थे ना कि हम बैटरी बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते थे। तभी सामने से एक लड़की आ रही थी, वो किसी को कॉल कर रही थी, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। और यहाँ पे दूसरी ओर शिनवू बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो सोच रहा था कि मुझे पता था, वो इन सारे वक्त एक्टिंग कर रहा था कि उसे ये अच्छा लगता है, और इससे भी बड़ी बात वो जो कुछ भी मेरे साथ करता है वो सारी बात किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसे कर सकता है, और वो तो ऐसे दिखा रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। उसने मुझे धोखा दिया है, क्या मैं उसके लिए एक मजाक हूँ? वो किचन में जाने लगा और उसे याद आया कि सेबिन ने उसे अभी कहा था कि अगर आप अभी चले गए तो फिर आप कहाँ जाओगे। शिनवू को इससे और ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर में भी वो मुझसे सीरियसली बात कर ही नहीं रहा था। क्या उसे ये लगता है कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता? मैं उसे कभी कॉल नहीं करने वाला, जितना इंतजार करना है उतना करो, अब सब कुछ खत्म हो गया है। और वो सेबिन के हाथों से बना स्पाइसी राइस केक खाने वाला है कि इसने कोई भी गलती नहीं की है तो फिर मैं इसे खाने के बाद जाऊंगा। तो फिर वो राइस केक खाने लगा तभी वो लड़की अंदर आ गई। शिनवू को लगा कि क्या वो वापस आ गया, और वो बाहर जाता है तो वहाँ पे वो लड़की थी। वो दोनों ही एक साथ पूछते हैं कि तुम कौन हो। शिनवू सोचने लगा कि आखिर ये लड़की है कौन, उसे की कोड पता था तो वो जरूर ही सेबिन को जानती होगी। वो लड़की कहती है ये तो हान सेबिन का घर नहीं है? शिनवू कहता है हाँ ये उसका ही घर है। वो लड़की अंदर जाने लगी और कहती है वो कहाँ पे है? शिनवू कहता है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, लेकिन तुम कौन हो? वो लड़की कहने लगी कि कितनी अजीब बात है, मुझे लगा था कि वो किसी लड़की को अपने घर में लाए होंगे, और वो मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे है। शिनवू सोचता है कि ये लड़की है कौन जो ऐसे ही अंदर घुसे जा रही है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और तुम क्या बड़बड़ा रही हो? और वो फिर से पूछता है कि एक्सक्यूज मी आप कौन है? वो लड़की उसकी ओर देखती है और कहती है क्या तुम सेबिन के दोस्त हो? शिनवू ऑकवर्डली हंसता हुआ कहता है हाँ मैं वही हूँ, उसका दोस्त हूँ। और वो मन में बोलता है और तुम कौन हो, जल्दी से बताओ, मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि ये लड़की कौन हो सकती है जो सेबिन को जानती है? ऑप्शन वन, वो सेबिन की फ्रेंड हो सकती है। ऑप्शन टू, वो सेबिन की एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है। या फिर ऑप्शन थ्री, वो सेबिन की फैमिली से उसके रिलेटिव हो सकती है।